घुटन हो रही थी वहां पे, 2 मिनट रुकी ना और सांस बिल्कुल फूलने लग गई थी। अजीब सा सीन है, पता नहीं क्या, पर मेरी सांस तो बिल्कुल फूलने लगी थी। अभी निकल चुके हैं बाहर और देख, ओ भाई मेरी पटरी है 120 मतलब एंटर होने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े टनल के अंदर। फुल पूरा टैंक अभी भी दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही उतर क्यों नहीं रहा है। तो हेलो गाइज एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो होप आप सब बढ़िया होगे, तो बढ़िया होने भी चाहिए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से सीधा पेट्रोल पंप से, क्योंकि भाई हम निकलने वाले हैं जम्मू वाली साइड और हमारे साथ यहाँ पे भाई मुसरत जैसे हमेशा होता ही, और यहाँ पे लगी हुई मेरी बाइक और पीछे बैग भी बांध दिया है। और भाई की यार फ्रंट जो ब्रेक है ये नहीं चल रही है, तो अभी देखते हैं आराम आराम से ही चलते हैं। यहाँ पे लगी हुई है बाइक, तो करते हैं आज की राइड को यहीं से स्टार्ट। फाइनली गाइज पहुंच चुके हैं हम डोडा में, डोडा मतलब यहाँ पे गाइज यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम गणपत वाले पुल पे, और यहाँ पे लगी हमारी बाइक है। बैग थोड़ा लगता है ढीला हो गया, रस्सी छूट गई इसकी, देखा रस्सी, मैंने बोला था ना ये खड्डे हैं ना बड़े इस साइड है, खड्डों की वजह से हुई था भाई, बाकी ये टाइट ही है। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं हम, जैसा आप देख सकते हो डोडा, अभी ट्रैफिक का हाल ऐसा है ना कि बिल्कुल भी निकलने नहीं देने वाले, मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना। मुसरत कहीं आगे भी निकल गया और मैं यहीं पे भी फंसा पड़ा हूँ इस कार के पीछे। यार जगह दे दे, किधर गया मुसरत। निकल चुके हैं अब हम प्रॉपर जमा जम्मू वाले रूट पे, और अभी जैसा आप देख सकते हो बहुत ही भयंकर गंदा, मतलब बोल नहीं सकता मैं कुछ, इतना ज्यादा गंदा रोड लग रहा है ये वाला। ओह ओह ओह, डस्ट देखोगे ना, डस्ट का लेवल तो परेशान हो जाओगे यार। हम पहुंच चुके हैं डोडा खलनी से भी आगे निकल रहे हैं, और भाई टाइम हो रहा है कुछ 12:30 या पहले या ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई लंच कर ही लेते हैं, तो और लंच करने के बाद देखते हैं कैसा रहता है, लंच हम पहले ही कर लेंगे यार। तो गाइज यहाँ पे बगल में हो चुका है भाई लंच का सिस्टम भी फाइनल, यहाँ पे भाई मिल गया था एक भाई और भद्रा से ही। तो अभी करते हैं यहाँ से राइड को स्टार्ट। तो बाइक अभी भी फ्यूल एक भी सेल अभी नहीं उतरा, ये देख रहे हो फुल पूरा टैंक अभी भी दिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही उतर क्यों नहीं रहा है। ये इसका टैंकी का कुछ भाई मेरे को लग रहा है बग गया क्या है, लेकिन ये तो उतरना ही चाहिए यार, भद्रा से पूरा आया यहाँ तक और अभी एक भी सेल नहीं उतरा है। गाइज नाशरी हम पहुँच चुके हैं जैसा आप देख सकते हो, और यहाँ पे आ गया टोल, स्टार्ट हो जाएंगे भाई एशिया के सबसे बड़े नाशरी टनल में, जो कि 9 point something किलोमीटर्स का है। और आपके भाई का तो आपको पता ही है नाम चलता है, कोई नहीं मांगता आपके भाई से यहाँ पे टोल, मतलब एंटर होने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े टनल के अंदर भाई, ये सबसे बढ़िया वाला टनल। इसके अंदर जाते ही ना मतलब एकदम सुकून आ जाता है, आप देखते जाओ आप भाई, जितना दम है ना, बोलते हैं ना जिसने जितने गुर्दे हैं तो वो उतनी खींच सकता है भाई एशिया के लार्जेस्ट टनल के अंदर, क्योंकि ये देख सकते हो बिल्कुल मतलब क्लीन है, जितना आप में दम है ना उतना खींच के आप दिखा दो बस। यहाँ पे बस एक ही बंदा जितना, यहाँ पे देख रहे हो 80-82, मैं 6th गियर में, मैं 6th गियर में चल रहा हूँ भाई, 6th गियर में, और 90, 92, 96, ये भाई 100, 104 तो फ्रेंड्स निकल चुके हैं हम भाई नाचरी टनल से बाहर, एकदम घुटन हो रही थी वहाँ पे, 2 मिनट रुकी ना और सांस बिल्कुल फूलने लग गई थी। अजीब सा सीन है, पता नहीं क्या, पर मेरी सांस तो बिल्कुल फूलने लगी थी। अभी निकल चुके हैं बाहर और देखो मुसरत की क्या लुक आ रही है भाई साइड से। तो गाइज यहाँ पे लिया दूसरा रेस्ट और अपनी टाइगर लगी है वहाँ पे, और मैंने जैकेट जो है ना निकाल दिया क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है गर्मी से, अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वहाँ से तो बिल्कुल सर्दी लग रही थी ना मेरे को, टनल से उस पार तक तो टोटल सर्दी लग रही थी, ये देख रहे हो, ये मेरे को रुक भी नहीं रहे हैं टोटल और चलते ही जा रहे हैं, वो देखो